इन दोस्तों दोस्तों आप सबके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है दोस्तों। फिलहाल आप सबको काफी इंतजार था दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप न्यूज़पेपर देख सकते हो 28/4/2022 का आज का न्यूज़पेपर है और दोस्तों इसके अंदर शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दे सकता हूँ, दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर आप देख सकते हो जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है क्या शेड्यूल है, वो भी बता देते हैं। और होमगार्ड के परीक्षा है उसका भी क्या शेड्यूल है, दोनों का साथ में जारी किया हुआ है और आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, परीक्षा 13 मई से 16 मई तक आपकी परीक्षा होनी है। उसमें देख सकते हो पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसमें अंदर ये कहा गया है, इन्होंने कांस्टेबल भर्ती सभी 270 केंद्र पर जेमर लगेंगे ताकि प्रदेश में नेट बंद ना करना पड़े। मतलब जेमर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेंटर है उसके आसपास का जितना भी एरिया है सभी में नेट बंद हो जाएगा, बट पूरा शहर में नहीं नेट बंद होगा। जैमर का ये सिस्टम होता है कि जितने भी सेंटर है उसके आसपास का जितना भी लोकेशन है सभी नेट वहाँ पे बंद हो जाता है और पूरे शहर का नेट नहीं बंद होता है। जिसके अंदर दोस्तों आपको दिखा देते हैं, हर पद पर 410 अभ्यर्थी होंगे। आपको दिखा देते हैं जैसे कि टोटल पद है जो कॉन्स्टेबल के 4588 पद है और अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं 18,83,163 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म भरे हुए हैं जितने अभ्यर्थी हैं वो 16,39,493 अभ्यर्थी हैं और कांस्टेबल आरएएससी इसके 183,850 अभ्यर्थी हैं। होमगार्ड के टोटल देख सकते हो आप इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 59,820 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई करे हुए हैं। परीक्षा जो है वो 32 जिलों में परीक्षा होगी 13 मई से 16 मई तक, दो पारियों में केंद्र आपके 32 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 270 केंद्र आपके 470 केंद्र आपके बने हुए हैं। जयपुर में 183 केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसका क्या शेड्यूल है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा देते हैं कांस्टेबल पुलिस का क्या शेड्यूल रहने वाला है कि जो 13 मई से आपकी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप पहले देख सकते हो, पुलिस मुख्यालय ने 13 मई से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। तो दोस्तों परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। नकल एवं फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगेंगे। तो जैमर लगेंगे दोस्तों, इसका ये होता है कि जो केंद्र है उसके जैसे ही सेंटर है, सेंटर के आसपास के एरिया का नेट बंद हो जाएगा, पूरा शहर का नेट नहीं बंद होता है। तो दोस्तों इसके बाद ये बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन फोटो के मिलान के बाद ये आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो इसके बाद ये लिखा हुआ है भर्ती एवं पदोत्तरी बोर्ड के पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंह ने बताया कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे जहाँ पुलिस अफसर निगरानी रखेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 18,83,00,000 हिसाब से है। यह प्रवेश की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है। वनपाल वन रक्षक का भी यहाँ पे दोस्तों बता दिया है, जिनमें यह बताया गया है कि 22,521,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हर पारी में 2.75 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। प्रवेश पत्र स्थापित हर पहले जारी होंगे। तो दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही 1 तारीख होगी आपके पहले सप्ताह के अंदर आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे कांस्टेबल के। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, अगर दोस्तों आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप उनको ज्वाइन करें और वहाँ से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नई नई अपडेट मिलती रहती है जॉब से रिलेटेड। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक आ सके। ऐसे ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।